एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इनफिनिटी। पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करेंगे। इसके अदर क्वेश्चंस के लिए वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल एंड चेक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इज। इसका सॉल्यूशन सेट देखना है हमें। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना लेते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 6। जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा और इसे फैक्टराइज कर देंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0, एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इसे वेवी कर्व मेथड से चेक कर लेंगे, लाइन पे ड्रॉ करके। एक पॉइंट बनेगा माइनस ऑफ 2 एंड एक बनेगा 3। लेस के लिए एक पॉइंट इसमें पुट करके चेक कर लो और उसके बाद अल्टरनेट साइन आ जाते हैं। जैसे माइनस 2 से इस तरफ माइनस 3 होगा, यहां वैल्यू पुट कर दो माइनस 3 में, ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस ऑफ 3 प्लस 2, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 6 एंड माइनस 1। पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा, उसके बाद अल्टरनेट साइन आ जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ पॉजिटिव। हमें लेस देन 0 चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव चाहिए, तो कहाँ है नेगेटिव? माइनस 2 टू 3 में। अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो हम माइनस 2 एंड 3 भी ले लेते, लेकिन यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसलिए माइनस 2 टू 3 हो जाएगा। माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, यानी माइनस 2 टू 3 ओपन इंटरवल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती तो ये माइनस 2 टू 3 क्लोज इंटरवल होता और यहाँ भी इक्वल आ जाता, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 माइनस 3x ओवर 5 लेस देन 1 माइनस एक्स ओवर 3। इसका भी सॉल्यूशन सेट देखना है। एक तरफ ले आते हैं 2 माइनस 3x ओवर 5 माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 3, ये हो जाएगा लेस देन 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 2 माइनस 3x एंड माइनस ऑफ 5 1 माइनस एक्स, दिस वन इज लेस देन 0, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 9x माइनस 5 प्लस 5x लेस देन 0। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि लेस देन 0 दे रखा है, तो यहां बन जाएगा माइनस ऑफ 4x प्लस 1 लेस देन 0, और यहां बन जाएगा 1 लेस देन 4x, इट मीन्स 4x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 ओवर 4। x यहां 1 ओवर 4 है, ग्रेटर देन 1 ओवर 4, इसका मतलब इस तरफ का पूरा आ जाएगा, तो ये इंटरवल बन जाएगा 1 ओवर 4। इक्वालिटी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इंटरवल इसका सॉल्यूशन बनेगा और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ फाइनाइट बेसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिस होते क्या हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी कोई वेक्टर स्पेस है और इसका कोई सबसेट है एस। यहां सबसेट लेना है, सब स्पेस नहीं लेना, यहां सबसेट होगा, तो एस कोई वी वन वी टू वी थ्री, ये कोई सबसेट दे रखा है, और ये एस बेसिस होगा अगर ये वी वन वी टू अप टू वी एन, वी वन वी टू दो कंडीशंस होती हैं इसमें, वी वन वी टू अप टू वी एन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। बेसिस होने की फर्स्ट कंडीशन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और सेकंड कंडीशन होती है कि वी वन वी टू अप टू वी एन स्पैन करें वी को। इसका मतलब कि वी एवरी वेक्टर ऑफ वी, वी का हर एक वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो सेट जो है वो सबसेट बेसिस बन जाता है। अब बाय ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं।
एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ फाइनाइट बेसिस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेसिस फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. एंड ऑप्शन सेकंड, जीरो वेक्टर मे बी अ पार्ट ऑफ बेसिस. जीरो वेक्टर, जिस भी सेट के अंदर जीरो आ जाता है वो सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है. अगर कोई भी एलिमेंट जीरो है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, और बेसिस के लिए कंडीशन है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. एंड नेक्स्ट ऑप्शन है द वेक्टर्स इन अ बेसिस आर लिनियरली डिपेंडेंट, ये तो गलत ही हो जाएगा फिर. एंड ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा. तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. और वैसे भी एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लो उसके बेसिस होते ही हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द प्लेन आर स्क्वायर, और T1 दे रखा है 0x एंड T2 दे रखा है y0, देन हमें T1 स्क्वायर 0 देखना है, ये ऑप्शंस चेक करने हैं. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे इजी वे है सॉल्व करने का कि हम इसे बाय मैट्रिक्स सॉल्व करें. मैट्रिक्स बना लेते हैं T1 मैट्रिक्स एंड T2 मैट्रिक्स. T1 मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये x एंड y है तो जो भी एलिमेंट यहां होगा वो x एंड y में होगा, x एंड y के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, तो उसे हम रो में लिख लेंगे. यहां 0 है तो यहां 0x प्लस 0.y हो जाएगा, तो ये कोफिशियंट्स लिखने होते हैं, तो यहां 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा. यहां x का कोफिशियंट एंड यहां y का कोफिशियंट z में होता. अगर यहां T1xyz होता तो एक और यहां 0 हो जाता, अगर यहां 0 है तो. तो अभी हमारा 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा. x को कैसे लिखेंगे, x का कोफिशियंट 1 हो जाएगा प्लस 0.y हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे यहां 1 हो जाएगा एंड यहां 0 हो जाएगा. इसी तरह से हम T2 मैट्रिक्स लिख लेंगे. T2 मैट्रिक्स में ये y है, अब हम y को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, 0.x हो जाएगा प्लस 1.y हो जाएगा, तो फर्स्ट रो बन जाएगी 0 1 एंड 0 0, यहां फिर 0 0 हो जाएगा. ये भी 2x2 की मैट्रिक्स बन गई. अब हम y ऑप्शन चेक कर लेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में T1 स्क्वायर है तो इसे हम T1 लिख देंगे, T1 को मल्टीप्लाई कर दिया T1 से ही, तो ये बनेगा 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, यहां भी 0, ये भी 0 एंड 0, तो ये 0 मैट्रिक्स हुई. T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं. T2 को T2 से मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे चेक कर सकते हैं. सेकंड थर्ड ऑप्शन में T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दो, एंड डी ऑप्शन तो यहीं से ही गलत हो गया क्योंकि ये 0 आ ही रहा है, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा. तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाय मैट्रिक्स वे में करना इजी रहता है, तो यहां ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 कट्स द एक्स एक्सिस एट पी, ये एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रही है. द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो. तो स्लोप देख लेते हैं पहले, इसका जब हम डेरिवेट करेंगे ये 1 ओवर ए हो जाएगा, माइनस 1 ओवर बी dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, एंड dy ओवर dx बना हमारे पास यहां बी ओवर ए. जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए ओवर बी. तो ये स्लोप बन जाएगी इसके परपेंडिकुलर लाइन की, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन देखनी है तो स्लोप तो चाहिए, तो ये हमारी स्लोप आ गई. अब हम पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही है, तो देख लेते हैं ड्रॉ करके.
इसमें हम पॉइंट पुट कर देते हैं, अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी तो यहां वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये पॉइंट कौन सा बनेगा, वाई को जीरो रखो यहां, तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वन बन जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए जीरो हो गया। अब हमें पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी है, तो लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओवर b एंड x माइनस a। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स दे रखी हैं, 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम वन एम टू। यहां हमारे पास एम वन एम टू स्लोप्स होती हैं, m1 इस लाइन की स्लोप हो जाएगी एंड m2 इस लाइन की स्लोप हो जाएगी। तो स्लोप देख लेते हैं हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू जीरो, देन dy ओवर dx हो गया 2, ये m1 एंड सेकेंड लाइन का स्लोप बनेगा 1 प्लस 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू जीरो एंड डीवाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, दिस वन इज एम टू। वैसे ही इनकी जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन आ रही है, तो परपेंडिकुलर ही हो जाएंगी ये दोनों लाइन्स। एम वन एम टू इज इक्वल टू, अगर माइनस वन हो तो लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाती हैं, यहाँ वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे दो लाइन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां माइनस वन आ रही है इनके प्रोडक्ट, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, मतलब इन दोनों लाइंस के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय टू एंगल हो जाएगा, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। तो यहां ऑप्शन ए सीधा ही करेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल आ जाती है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और अगर माइनस वन हो जाती है तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज If the line 6x एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट प्लस लैमडा थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज पैरल टू वाई एक्सिस, पैरल टू वाई एक्सिस दे रखा है, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरल होगी, इसका मतलब x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो यहां से जब हम डेरिवेटिव करेंगे dx ओवर dy ये जीरो हो जाएगा ना, x का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, या फिर dy ओवर dx करेंगे तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे इस पूरी लाइन के ऊपर, तो ये बन जाएगा 6 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x का dx ओवर dy हो जाएगा माइनस सेवन, अब y का वन हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहे हैं हम, कॉन्स्टेंट जीरो प्लस लैमडा थ्री ये dx ओवर dy हो जाएगा एंड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहां से बनेगा सिक्स प्लस थ्री लैमडा dx ओवर dy इज इक्वल टू ये दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा एंड प्लस लैमडा, यहां जीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा सेवन प्लस लैमडा इज इक्वल टू जीरो एंड लैमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेवन, और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू थ्री टू, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अगर कोई लाइन ए एंड बी इंटरसेप्ट बनाए, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, लाइन इस तरह से इंटरसेप्ट बना रही है, ये पॉइंट होता है ए जीरो एंड दिस वन इज जीरो बी, तो लाइन की इक्वेशन ये बन जाती है, एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है और ये वाई इंटरसेप्ट हो जाता है। तो हमें इक्वल इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इसका मतलब ए इज इक्वल टू
बी दिया है हमें, तो ये लाइन बन जाएगी एक्स ओवर ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू वन. ये लाइन थ्री टू से पास कर रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगी और ए की वैल्यू आ जाएगी. ये बन जाएगा थ्री ओवर ए प्लस टू ओवर ए इज इक्वल टू वन. यहां से बनेगा फाइव ओवर ए इज इक्वल टू वन एंड ए की वैल्यू फाइव हो जाएगी. जब हम ये ए की वैल्यू यहां रखेंगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी एक्स ओवर फाइव प्लस वाई ओवर फाइव इज इक्वल टू वन एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव. ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पासिंग थ्रू माइनस टू माइनस वन. हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल. कंसेंट्रिक का मतलब है कि इसका सेंटर और जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस सर्कल की उसका सेंटर सेम होना चाहिए. तो हम देख लेते हैं इसका सेंटर क्या बनेगा. अगर हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, और यहां सेंटर माइनस ऑफ जी एंड माइनस ऑफ एफ होता है, तो यहां सेंटर क्या बन जाएगा, इसे टू से डिवाइड कर दो माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ थ्री एंड माइनस ऑफ वन. ये सेंटर बन जाएगा इसका. और जो हमें सर्कल फाइंड आउट करना है उसका सेंटर, तो हम बाय ऑप्शन चेक ही कर लेते हैं कि किस इक्वेशन का जो सेंटर है वो ये बन रहा है. तो ऑप्शन वन में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. यहां सेंटर बनेगा जो एक्स का कोफिशियंट होता है माइनस ऑफ हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ टू एंड दिस वन इज माइनस ऑफ वन. तो इसका सेंटर तो अलग हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका सेंटर माइनस ऑफ थ्री एंड माइनस ऑफ वन ओवर टू हो जाएगा. ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा एंड सी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और यहां बन जाएगा माइनस जीरो क्योंकि एक्स का कोफिशियंट ही नहीं है, ये जीरो जाएगा एंड माइनस ऑफ वन. एंड ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और इसका सेंटर माइनस ऑफ थ्री एंड माइनस ऑफ वन. इसका सेंटर वही सेंटर है जो इक्वेशन हमें दे रखी है उस सर्कल का सेंटर था, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. अगर हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन नहीं भी करना चाहते तो ये सेंटर है और ये पासिंग पॉइंट है, तो रेडियस फाइंड आउट करके सर्कल की इक्वेशन भी ले सकते हैं. जैसे ये कोई सर्कल है और ये सेंटर दे दिया माइनस थ्री एंड माइनस वन, और ये कोई पॉइंट है माइनस टू माइनस वन. यहां से हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला रेडियस ले लेंगे और सेंटर हमारे पास ये दे ही रखा है, हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. जैसे रेडियस इसका बन जाएगा माइनस टू माइनस माइनस थ्री पॉजिटिव हो जाएगा प्लस माइनस वन प्लस वन स्क्वायर, ये जीरो हो गया एंड यहां से वन आ जाएगा रेडियस, और यहां से इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस, अगर हमारे पास एच एंड के सेंटर होते हैं तो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन होती है सर्कल की. तो ये बन जाएगा एक्स माइनस माइनस थ्री ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू ये वन. जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस.